हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल नहीं किया है। उनसे जो प्रॉमिस किया था कि मार्च और अप्रैल के महीने या मई के महीने, मार्च में या अप्रैल में पैसे देना स्टार्ट हम कर देंगे, लेकिन अभी तक वो काम स्टार्ट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और इन्वेस्टर्स को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, किस तरह से ये काम होगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम सभी इन्वेस्टर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी टाइम से कोई अपडेट भी नहीं दिया है, जिसकी वजह से और भी लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। अब ये सारी चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, किस तरह से इस पर काम होगा, तो ये तो डॉक्टर नोएरा शेख ही बताएंगी, लेकिन ये कब तक उनकी अपडेट आती है इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी डिटेल्स किसी के पास नहीं है। अभी डॉक्टर नोएरा शेख को सोचना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टर्स उन्होंने प्रॉमिस किया है तो उसको अब पूरा करने का टाइम आ गया है। जो भी प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने बताया कि उसको उनको परमिशन मिल गई है और इसे हम बेच कर अपने जो इन्वेस्टर्स हम उनको पेमेंट दे पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये एक्चुअली होगा कब, और लोगों का जो इंतज़ार है वो काफ़ी टाइम से है कि भाई किसी तरह से भी ये काम हो। जब प्रॉपर्टी की बात हुई थी तो बहुत से इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे, उनको एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि अब शायद डॉक्टर नोएरा शेख उनका पेमेंट देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसी बात की थी कि भाई आप सोते रहेंगे, आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन वो पैसा अकाउंट में नहीं पहुंचा। और जो लोगों के अंदर एक जो खुशी थी वो खुशी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही। अब लोगों को ये यकीन भी होता जा रहा है कि क्या डॉक्टर नोएरा शेख पैसा दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी, जो इस तरह की बातें हो रही है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से जो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, उनका कहना है कि भाई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख ने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को वो पूरा करेंगी, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कब तक पूरा होगा, किस तरह से पूरा होगा, कितना टाइम उसमें दरकार है, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो ये कब तक क्लियर हो पाएगा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। अभी डॉक्टर नोएरा शेख ने भी काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं दिया, जब तक वो अपडेट नहीं देंगी, कोई उधर से ऑफिशियल अपडेट नहीं आ पाएगा, तब तक कुछ भी बताना मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर नोएरा शेख ने जो प्रॉमिस किया था, मई का महीना स्टार्ट हो गया और मई भी ख़त्म हो गया और जून स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज़ अभी तो एक पल के लिए ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो कब देंगे, लेकिन जब उन्होंने जो प्रॉमिस किया था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट दे पाएंगी, लेकिन ना तो प्रॉपर्टी का पता चल पाया है कि प्रॉपर्टी उनकी सेल आउट हुई है या नहीं हुई है या उसमें कितना टाइम लगेगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, किस तरह से डॉक्टर नोएरा शेख करेंगी, ये तो डॉक्टर नोएरा शेख ही बता पाएंगी। अब गाइज कितना इंतज़ार करना होगा जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, काफ़ी पैसा उसमें इन्वेस्ट करके सिर्फ ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि वहाँ से हमारी अर्निंग हो जाएगी, हम वहाँ से पैसे कमा लेंगे। बहुत से लोगों ने काफ़ी टाइप पैसा, मतलब 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख, 10 लाख, जिसके पास जैसा था उस तरह से पैसे को इन्वेस्ट किया गया और स्टार्टिंग में लोगों को पैसे भी मिले, तो उन पर जो केस हुआ वो चली गई, लेकिन धीरे जब उन पर केस हुआ तो फिर ये निज़ाम जो धर्म भरम हो गया, जो लोगों को पैसे मिल लेते थोड़े बहुत, वो मिलना बंद हो गया। तो गाइज़ अब हम लोगों को इंतज़ार है कि देखिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख कब तक हम लोगों को पेमेंट को दे पाती हैं, कब तक ये काम, ये कब तक इस काम का प्रोसेस हो पाएगा, इसके बारे में अभी कोई भी क्लियर कट नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख और स्पेशली उनकी टीम से कि जितनी जल्दी हो सके वो पेमेंट देने की व्यवस्था करें, ताकि जो इन्वेस्टर इंतज़ार कर रहे हैं उनका ये काम पूरा हो सके, बहुत से लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, बहुत से लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत से लोग के घर में और भी ज़रूरियात, बहुत से लोगों के घर में और भी ज़रूरियात हैं वो उसको पूरा करना चाहते हैं। तो इस काम पर प्लीज़ फोकस करें और जितने जल्दी मुमकिन हो सके इस काम को पूरा करें। चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।